ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या 100 साल की उम्र में भी कोई व्यक्ति अपनी और परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता है? इस सवाल का जवाब ज्यादातर ना में ही होगा, लेकिन आज आपको एक 98 साल के बाहुबली से मिलवाते हैं जिसने अपने कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई है और जीतोड़ मेहनत कर एक मिसाल बन गए। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक 98 साल के बुजुर्ग उम्र के इस पड़ाव में भी अपने 5 लोगों के परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। झुकी कमर लेकिन आंखों में गजब की चमक। 98 साल के बाबूराव जैन के पैर चलते हैं, तभी उनके परिवार की गृहस्थी की गाड़ी चलती है। मजबूरी ऐसी है कि इस उम्र में भी उन्हें कपड़े सिलकर अपने परिवार का गुजारा करना पड़ रहा है। अब पैसे नहीं काम करोगे तो 500 रुपए पेंशन पाने वाले बाबूराव इस रकम से किसी तरह अपना गुजारा तो कर लेते हैं, लेकिन बेटे की बीमारी ने इस बूढ़े को फिर से जवान बना दिया। बाबूराव का 60 साल का बेटा लकवे से ग्रस्त है। बेटे का इलाज और घर का खर्च, तंगहाली में घर को संभालते बाबूराव के लिए मुश्किल है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बेटे की क्या परेशानी है आपकी? बेटे की लफड़ा हो गया, उसको स्कूल परेशानी अलग, अपनी परेशानी अलग। कौन जैसा चलता वैसा करना पड़ता। तो बेटे की वजह से भी आपको ये जूझना पड़ता है यहाँ? परेशान है परिवार, देखा नहीं जाता। बाबूराव पर बेटे, बहू, पोते और 20 साल पहले विधवा हुई बेटी की जिम्मेदारी है। बेटे प्रकाश की माने तो पिता न होते तो परिवार न चल पाता। बेटे को स्वस्थ करने के लिए हर महीने 1200 रुपए की दवाओं की जरूरत होती है। 14 में दफा मार दिया, उस दिन से मैं घर में बैठा हूँ। मेरा काम धंधा सब बंद हो गया, मुझे मेरा खुद का पेंशन समझता। हर दिन मेरे को बाबूराव जैन का जज्बा, मेहनत और हौसला उन बच्चों के लिए सबक है जो अपने बुजुर्ग माँ बाप को उम्र के अंतिम पड़ाव में अकेला छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबर, आप रहिए, देखते रहिए।